अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीफ जो है वो जर्मन लैंग्वेज का पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ जिसमें अगर आपने किसी को दावत देनी हो, खासतौर पे अपने दोस्त को, तो वो ब्रीफ कैसे लिखा जाएगा। ये बे आइंस का ब्रीफ है, इसको आस वाई के स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लीबे आना। ठीक है, अगर लड़का है दोस्त है, तो फिर आप लिखेंगे लीबा अहमद। ठीक है, और सबसे पहले आप उसका हाल पूछेंगे, खैरियत, इश होफे एसके डियर गुट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक होगी। इश मिश्टे डिश गेर ने सु माइनर गिबोस्टक फाया आम नेस्टन जामस्टाग देम जिप्टे अक्टूबर आई लाडन, मैं तुम्हें अपने सालगिरह की तकरीब में जो अगले हफ्ते 7 अक्टूबर को है उसमें दावत देना चाहती हूँ। दिफाया फिंडेट बाई मियर सुहाउस है स्टट, जो तकरीब है, जो फंक्शन है, वो मेरे घर पर होगा। कितने बजे? उन बिगिन टू मार्क्सिन ओर, और शाम को 6 बजे शुरू होगा। एस वी एट गुटस एसन, इसमें खाना बड़ा अच्छा होगा। म्यूजिक उन फीले स्पील गेबन, और इसमें म्यूजिक भी होगा और बहुत सारे खेल भी होंगे। ठीक है, दुकानस्ट गेरने औख जे मानजन मित ब्रिंगन, तुम किसी को साथ भी लेके आ सकती हो। वेन दो म्यूज टेस्ट, अगर तुम चाहो। जाक मीर बेशाइट, मुझे बेशाइट कर दो। ठीक है, ओब दू कॉमन कास्ट, मुझे बेशाइट कर दो कि तुम आ सकती हो। ठीक है, दामित इश आलिस गुट प्लानन कान, ताकि मैं अच्छी तरह से मनसूबाबंदी कर सकूं। इश फ्रोई मिश शोन जेर दाफ्यूर, मुझे खुशी होगी। ठीक है, इसके साथ ठीक है, मित डियर सुफायन, कि तुम्हारे साथ मैं ये इसको फंक्शन को मनाऊं। उन आइनन शोनन आबन सुफिर ब्रिंगन, और एक अच्छी खूबसूरत शाम जो है वो मैं तुम्हारे साथ गुजारूं। फील ए ग्रू से डाइन नामे, यानी कि बेस्ट रिगार्ड्स के साथ, बाद में आप उसको अपना आखिर में नाम लिख देंगे। ठीक है, सो इट्स कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ माई डियर फ्रेंड्स। अगर आपने किसी को दावत देनी हो तो इस तरह का खत आप लिख सकते हैं।